हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अमन टेक्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है तो आप यहां पे प्ले स्टोर से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाते हैं। किसी भी गेम को आपको डाउनलोड करना होता है तो आप यहां पे उस गेम को सर्च करके डाउनलोड कर पाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ऐसा हो कि आपके मोबाइल से प्ले स्टोर यहां पे गायब हो जाए, प्ले स्टोर यहां से डिसेबल हो जाए या फिर प्ले स्टोर आपके मोबाइल से हट जाए, तो आप उसे कैसे ला सकते हैं, कैसे आप उसे फिर से इनेबल कर सकते हैं जिससे कि आप प्ले स्टोर को फिर से यूज़ कर पाएँ। क्योंकि फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपने प्ले स्टोर को डिसेबल कर दिया है और यहाँ पे हमें कहीं भी हमारे मोबाइल में प्ले स्टोर नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसे में फ्रेंड्स, आपके मोबाइल में भी कभी ना कभी दिक्कत आ सकती है कि आपका प्ले स्टोर आपके मोबाइल से गुम हो जाए, तो कैसे आपको फिर से अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को लाना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लीजिए। तो चलिए यहां पे बात करते हैं कि अगर आपके मोबाइल से प्ले स्टोर हट जाता है, रिमूव हो जाता है, तो आप उसे कैसे ला सकते हैं वापस जैसे कि आप उसे फिर से यूज़ कर सकें। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल अपने मोबाइल में सेटिंग्स में चले जाना है। आपको सिंपल अपने मोबाइल में सेटिंग्स के ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का, तो आपको सिंपल नोटिफिकेशन में चले जाना है। और नोटिफिकेशन में आपके यहाँ पे आपको ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है सी ऑल का, तो आपके मोबाइल में मोर का ऑप्शन भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे उसे देख लेना है। एंड हम यहाँ पे सी ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होंगी तो यहाँ पर वो सारी ऑन होंगी, तो हमें यहाँ पर वो देखने को मिल जाएंगी। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे कोई एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलती, अब यानी कि प्ले स्टोर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है इस ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर प्ले स्टोर को ढूंढ लेते हैं, और प्ले स्टोर को ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्ले स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर का। आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी जो जो भी ऑन है। तो अब आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे कि आप यहाँ पे इसे फिर से अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे ला पाएँ, अपने शो कर पाएँ। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं मोबाइल डाटा, बैटरी यूज, स्टोरेज, और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं इनेबल एंड फोर्स स्टॉप का। तो आपको सिंपल यहाँ पे इसे इनेबल कर लेना है, तो हम यहाँ पे सिंपल इसे इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे जो मोबाइल का प्ले स्टोर है वो यहाँ पे आ चुका है, और अब हम यहाँ पे अपने प्ले स्टोर को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।